झमाझम बारिश के बाद सोमवार को राहत मिली। बंगाल की खाड़ी में फिर से मानसून सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मालवा निमाड़ में बारिश का दौर आने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। मालवा निमाड़ में दो दिन की लगातार तेज बारिश से औसत आंकड़े को 35 इंच के करीब पहुंचा दिया है। हालांकि ये अलग अलग संभाग के कुछ जिलों में 28 इंच भी है। वहीं इंदौर में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। सोमवार को बारिश से राहत तो मिली, लेकिन आसमान में बादल और उमस भरा माहौल बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसमें आगामी 4-5 दिनों में बारिश की पूरी संभावना बनेगी। देखिए, अभी एक दो दिन आपने बारिश देखी हुई इंदौर और 22 और 23 तारीख को हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई। इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो बाया बंगाल और गुजरात में निर्वात का क्षेत्र बनने की वजह से सक्रिय हुआ था। अभी हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ इंदौर में और एग्रोमेट्रोलॉजी ऑब्जर्वेटरी में 30 इंच अभी तक बारिश प्राप्त हो चुकी है और हम करीब करीब अभी संभावना है कि हमें जो नॉर्मल रेनफॉल रहती है 35 इंच उसके पास अभी संभावना है कि हम प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाया बंगाल में फिर से कि अपने यहाँ निर्वात का क्षेत्र बनने की वजह से साउथ वेस्ट मानसून फिर सक्रिय होगा और 27, 28 और 29, 30 के मध्य में हल्की और मध्यम बारिश मॉडरेट रेनफॉल की हमारे यहाँ भी संभावना बनी हुई है।